पानीपत में दशहरा पर्व से 4 दिन पहले सैकड़ों हनुमान स्वरूप सड़क पर चौक चौराहों पर नजर आते हैं। 21 और 40 दिन का व्रत रखे इन हनुमान स्वरूपों को लोग अपने घरों में फेरा डलवाकर मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर प्रसाद बांटते हैं। इस पर शहर की कई सड़कों में नुकीले गड्ढे होने पर हनुमान सभाएं और बाजार प्रधान नगर निगम से खफा दिखाई दी। अपनी इसी समस्या को लेकर हनुमान सभाओं के प्रतिनिधि और बाजार प्रधान ने दूसरे दिन भी निगम मुख्यालय पर धरना दिया। लोगों को हैरानी तब हुई जब पूर्व मेयर और मौजूदा मेयर के पिता भूपेंद्र सिंह ने आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया, जबकि भूपेंद्र सिंह ना अब पार्षद हैं और न ही मेयर। हनुमान 2013 में पानीपत नगर निगम के चुनाव हुए थे, दूसरा कार्यकाल 5 साल के बाद अगले 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन इस तरह के ढोल बजते हमने कई दफा देखे। आज बड़ी तैयारी के साथ आए, कल भी आप लोग बैठे थे ऊपर, हनुमान जी नीचे आप धरना दे रहे हो, वजह? प्रभु के लिए ही धरना दे रहे हैं। नमस्कार, ऐसा जी 50 दिन से हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा 100 मीटर का पैच है गंगापुरी रोड पे, जिसको हम करवाना चाह रहे हैं कि इसको ठीक कर दो। यहाँ पे हनुमान सभाएं जाती हैं, नंगे पांव जाती हैं, पैर जख्मी होंगे, लेकिन नगर निगम का कहना है जी हमारे पास बजट नहीं है, अगर हम वहाँ पैसा लगाते हैं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये कुंभकर्ण की नींद सोए नगर निगम को जगाने के लिए हमारे पास तो और कमिश्नर साहब से बात हुई है आपकी? यहाँ निगम में आता कौन है? और कमिश्नर साहब, मुझे तो नहीं लगता नगर निगम में कोई कमिश्नर साहब है। जो कमिश्नर 100 मीटर का टुकड़ा नहीं बना सकता, मैं तो कमिश्नर नहीं कहूंगा उसे। ये मशहूर होने का बहाना है या सेवा करने का एक अवसर है आपके लिए? जी, सेवा का अवसर तो हमेशा से ही रहा है। हनुमान जी आजकल जो ये व्रत चल रहे हैं, व्रत के समय पे हनुमान का स्वरूप उठाकर चलते हैं भगत लोग, और उनके पैरों के नीचे ऐसे मार्ग पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके पैरों में चोट आ जाती है, कई प्रकार से अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। बहानाबाजी नहीं, कार्य करना ही सबसे बड़ी चीज है। जय श्री राम के नाम पे नारे तो खूब लगा के देखे आप। मीडिया में मेयर स्कूटी पे घूमी थी, मेयर थी शहर की सबसे बड़ी, हम कमिश्नर के बराबर क्योंकि जनप्रतिनिधि है, एक हफ्ते वो भी घूमी थी, उन्होंने आदेश दिए, कुछ उसके बाद कुछ हुआ फर्क, कुछ काम होता हुआ लगा या लगे 50% हुआ है, 50 नहीं हुआ हो जाएगा? काम वगैरह तो लगता ही नहीं है कि मतलब होएगा नहीं होगा, मेरे जी एक टाइम पे दिखते हैं, उसके बाद में 6-6 महीने दिखते नहीं है। कई बार ऐसा देखते हैं कि हमें मालूम पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया के टूर मार रहे हैं मेरे सब, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ काम हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आप भी काम छोड़ के आए, आपको लगता है ये जायज समस्या है जिसके लिए आपको अपना टाइम लगा? बिल्कुल जायज समस्या है, जिसमें ये नगर निगम बिल्कुल भी सुन नहीं रहा, जान पूछ करके इसमें अड़ंगाट कर रहा। क्या ये हो सकता है कि 2 लाख रुपए भी निगम के पास नहीं होगा? जब जनता इतनी तरह हो रही है और मेयर साहब स्कूटी पर घूम रही है, क्या उसको ये नजर नहीं आता कि वो निजी बोर्ड बनाने के लिए तो उसके पास पैसा है, रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है? दशहरे पे जब सैकड़ों हनुमान होंगे, हर दशहरा पे बहुत सारे होते हैं, और जनप्रतिनिधि हमारे जो है वहाँ मुख्य अतिथि है, उनको हार डाला जाएगा, उनकी जय जयकार होगी, उन्हें हनुमान के लिए जो सैकड़ों उस दिन होंगे, एक हनुमान जी के लिए आप यहाँ बैठे हैं, उन तक बात की, उनको समस्या का पता है कुछ? समस्या का संज्ञान सबको है, चाहे नगर निगम अधिकारी हो चाहे नेतागण हो, लेकिन रुचि लेना उनके, मैं ये कहूँगा कि वो सोच भी नहीं रहे, उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा नगर निगम जो है वो सोया हुआ है कुंभकर्ण की तरह। सर, समस्या छोटी नहीं है, समस्या ये बहुत बड़ी है, और ये यहाँ की समस्या नहीं है, आप घूम के देखिए पूरा शहर तरह तरह मची हुई है, कोई नाला, कोई सीवरेज, कोई सड़क, धूल मिट्टी, आप बिना मास्क पहने शहर पानीपत में घूम नहीं सकते। आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपको लगता है वो काम नहीं करवा पा रहे या करना नहीं चाहते या उनकी फुर्सत नहीं है सोचने की? वो लोग ये कहेंगे कि आप तो राजनीति कर रहे हो, उनकी बात का क्या जवाब दोगे? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री राम जी के लिए हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, जिनकी वजह से सरकार है, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए सरकार को बनाया गया था, और उसी अपना श्री राम जी के लिए हम यहाँ पूरे पिछले 50 दिनों से प्रयास कर रहे हैं, किसी भी अधिकारी के, नेता के, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक बात है ये। देश में बेशक राम जी की जय जयकार हो रही है, इंतजार किया जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ, लेकिन उन्हीं राम के हनुमान जो महासेवक है, उन्हें हनुमान जी के लिए ये लोग धरने प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर इन्हें बहुत अफसोस है। इंतजार रहेगा कि धरना कब तक चलता है या काम तुरंत होता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।